हमारे चैनल नॉलेज हंटर पे। इस वीडियो में हम लोग ग्रीक्स इन बैक्टीरिया के आगे चलेंगे और हम देखेंगे इंडो ग्रीक्स का एक और सब टॉपिक जो कि है ग्रीक्स इन इंडिया। अब हम में से काफी लोग इसके लिए बोल रहे थे, इसलिए हम इस वीडियो को भी लेके आए हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगा कि ग्रीक्स इन इंडिया को पहले पढ़ने से आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ग्रीक्स इन बैक्टीरिया के दोनों पार्ट पहले देखें सीरीज में, पार्ट वन पार्ट टू, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो ग्रीक्स इन इंडिया में जो इंडो ग्रीक रूलर्स आए थे उनका काफी तगड़ा रिलेशन ग्रीक्स इन बैक्टीरिया वालों से है। तो अगर आप देखें तो उसको समझने के लिए ग्रीक्स इन बैक्टीरिया को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली मैं ग्रीक्स इन बैक्टीरिया का एक छोटा सा रिविजन यहाँ दूंगा जो कि उन फैमिली की जीनियोलॉजी पे बेस्ड है कि उनका वंशज कैसे आगे बढ़ा, उनके कौन कौन पुत्र थे, कौन कौन नहीं थे और कौन कौन उनके सब किंग्स थे, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। और इसमें मैंने वो नाम भी इंक्लूड किए हैं जो हमने ग्रीक्स इन बैक्टीरिया के दोनों पार्ट में इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि उनका उतना ज्यादा इतिहास में जिक्र नहीं होता, इसलिए पिछले दोनों पार्ट में उतना ज्यादा उन पे इम्फेसिस नहीं दिया गया है, लेकिन हमने उनको यहाँ पे भी इंक्लूड किया है। तो तीनों फैमिलीज की जो जीनोलॉजी है वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इंडो ग्रीक रूलर्स के ग्रीक्स इन इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको पता है कि तीन फैमिलीज थी, एक थी यूथिडेमस वन की, एक थी एंटीमैकस वन की और एक थी यूक्रेटाइड्स वन की, ठीक है। और इन तीनों फैमिली की जीनोलॉजी हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूथिडेमस वन में, यूथिडेमस वन जो कि यूथिडेमस की फैमिली का था, जो फाउंडर था यूथिडेमस की फैमिली का, उसके दो बेटे होते हैं। एक का नाम था डेमेट्रियस वन जिसको हम लोगों ने इंक्लूड किया है और एक का नाम था यूथिडेमस टू। तो यूथिडेमस वन के कितने बेटे हुए, एक हुआ यूथिडेमस टू और एक हुआ डेमेट्रियस वन, ठीक है। फिर यूथिडेमस टू का भी कोई बच्चा हमको देखने नहीं मिलता, यूथिडेमस टू अपना कोई बेटा आगे नहीं देता है। यूथिडेमस टू के केस में हम ये देखने पर मिलता है कि यहाँ पर यूथिडेमस टू को एंटीमैकोस वन मार देता है, एंटीमैकोस वन यूथिडेमस टू को मार देता है और बैक्टीरिया की गद्दी जो है वो प्राप्त कर लेता है। तो हमने यहाँ देख लिया है कि यूथिडेमस टू को किसने मारा, एंटीमैकोस वन ने, और एंटीमैकोस वन ने जैसे ही यूथिडेमस टू को मारा वैसे ही एंटीमैकोस की फैमिली शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर एक और बेटा था यूथिडेमस टू के साथ ही साथ यूथिडेमस वन का, जिसका नाम था डेमेट्रियस वन। अब डेमेट्रियस वन आपको पता है कितना शानदार रूलर था यूथिडेमस की फैमिली का। उसके बाद डेमेट्रियस वन के चार बेटे होते हैं, उनमें से एक बेटी है, ठीक है। तो उनमें जो नाम है उनको देखते हैं, तो डेमेट्रियस वन का एक बेटा था जिसका नाम था एगथोक्लीस, एक का नाम था जोलियोस, जोलियोस फर्स्ट, जेड ओ आई एल ओ एस फर्स्ट, और उनकी एक बेटी थी डॉटर जिसका नाम था एगथोकुलिया, ठीक है, एगथोकुलिया, और एक बेटा था पेंटिलियन। तो कुल मिलाकर तीन बेटे, एगथोक्लीस, जोलियोस, पेंटिलियन और एक बेटी एगथोक्लिया, ठीक है। तो अब देखिए एगथोक्लीस के कोई बच्चे नहीं है, एगथोक्लिया के कोई बच्चे नहीं है, पेंटिलियन के यहाँ कोई इनके वंशज में बच्चे नहीं है। अब आगे कौन वंशज चलाता है, तो वो था जोलियोस फर्स्ट। तो जोलियोस फर्स्ट का एक बेटा था लाइसियस और लाइसियस का एक बेटा था थियोफिलोस, ठीक है। तो थियोफिलोस हम कह सकते हैं कि लगभग उन आखिरी रूलर्स में से एक है और इसको आखिरी रूलर काफी हिस्टोरियन मानते भी हैं, इसलिए मैंने यहाँ थियोफिलोस को लास्ट रूलर कहकर संबोधित किया है। अब ये जो थियोफिलोस था ये मेनली जम्मू कश्मीर के रीजन यानी कि जम्मू सियालकोट के रीजन पे रूल किया करता था, ठीक है। और इस थियोफिलोस को जो है एमाइंथस नाम का एक इंडो ग्रीक रूलर हरा करके इनके किंगडम पे कब्जा कर लेता है, या फिर यूं कहिए कि इनको रिप्लेस कर देता है। हिस्ट्री में ये नहीं बताया गया है कि इनको किल किया गया कि नहीं, पर इतना जरूर बताया गया है कि थियोफिलोस को अमाइंथस ही रिप्लेस करता है। ये अमाइंथस कौन है, ये अमाइंथस मेनली यूक्रेटाइड की फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। यूक्रेटाइड की फैमिली को भी कहा इसके आखिरी रूलर में से एक यहां पर, ठीक है, सेकंड लास्ट रूलर था ये यूक्रेटाइड की फैमिली का अमाइंथस, यहां देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो अमाइंथस है इसी ने थियोफिलोस को जो हराया था और रिप्लेस कर दिया थियोफिलोस को, ठीक है। फिर एक चीज और देखिए, ये तो हमारा हो गया यूथिडेमस वन की जीनियोलॉजी, ठीक है। अब यूथिडेमस वन का जो एक बेटा था जिसका नाम था यूथिडेमस टू, ये कहां पे राज करता था, कुछ सोर्सेज से हमें पता लगा है, और ये राज करता था, यूथिडेमस टू रूल्ड इन फरगाना,
फरगना नाम का एक जगह था उस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जहाँ पे ये रूल किया करता था, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने देख लिया यूथिडेमस वन में क्या था और उसकी जीनोलॉजी कैसी थी, उनके बच्चे बच्चों के नाम बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया हर चीज का लेकर के, लेकिन ये चीजों को आपको नोट डाउन करना है और एकदम रट डालिए अगर आपको समझना है इंडो ग्रीस को बहुत अच्छे से। तो दूसरी चीज है, एक और फैमिली आती है जो है एंटीमैकस वन, ठीक है। एंटीमैकस वन मेनली आपको पता होगा एंटीमैकस वन कौन है, ये है एंटीमैकस की फैमिली को एस्टैब्लिश करने वाला उसका फाउंडर, ठीक है। एंटीमैकस वन पावर में आया कैसे, यहाँ हमने अभी देखा यूथिडेमस टू को मार करके, यूथिडेमस टू वाज किल्ड बाय एंटीमैकस फर्स्ट एंड हेंस एंटीमैकस फर्स्ट फैमिली वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। फिर एंटीमैकस फर्स्ट का बेटा कौन था, वो था डिमेट्रियस टू, इसके बारे में हम देख चुके हैं, इसने इंडिया में काफी अच्छा एक्सपीडिशन किया था, ये सेकंड पार्ट में हमने बैक्टीरिया वाले में देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें, मैं अभी भी रिकमेंड करता हूं। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है, सिर के ऊपर से निकल जाएगा, समझ नहीं आने वाला, ठीक है, तो जरूर देखिए उसको। तो एंटीमैकस फर्स्ट का बेटा था डिमेट्रियस टू। अब डिमेट्रियस टू के भी दो बेटे होते हैं जो इतिहास में दर्ज है, वो है मिनेंडर और एक है एंटीमैकस टू, ठीक है। दो बेटे डिमेट्रियस टू के, मिनेंडर और एंटीमैकस टू। वैसे मिनेंडर के बारे में हमें काफी कुछ मिलता है देखने पे उसकी जीनियोलॉजी के बारे में, लेकिन एंटीमैकस टू की थोड़ी सी जीनियोलॉजी छोटी है, देखिए क्यों है। एंटीमैकस टू का एक बेटा होता है जिसका नाम है फाइलोजेनोस, और फाइलोजेनोस का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है निकियास, ठीक है। फिर निकियास का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हिपोस्ट्रेटस। तो हिपोस्ट्रेटस इस नाम को याद रखिएगा, अभी आगे यूज होगा, ठीक है। फिर मिनेंडर में देखें तो मिनेंडर जो है, जो डिमेट्रियस टू का एक बेटा था, ये सबसे पॉपुलर इंडो ग्रीक किंग था, ठीक है। इसके दो सब किंग थे। सब किंग का क्या मतलब होता है, एक रूलर एक बड़े एम्पायर पे साइमल्टेनियसली रूल नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो सब किंग्स अपॉइंट कर देता है जो अपने अपने एरिया में उसके एम्पायर की देखरेख कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनेंडर के इसी तरीके से दो सब किंग थे, उनके नाम याद रखिए, एक है पॉलिजेनोस और एक है इपेंडर, ठीक है। इन दोनों का ही नाम आपको याद रखना है। फिर मिनेंडर के बाद एक जो नेक्स्ट रूलर आता है वो है एगेटोक्लिया। एगेटोक्लिया बेसिकली मिनेंडर की वाइफ थी, ठीक है। और ये नेक्स्ट रूलर के रूप में इसलिए आती है क्योंकि मिनेंडर का जो बेटा होता है स्ट्रेटो फर्स्ट, वो एक माइनर होता है। माइनर मतलब कि 18 साल से कम की आयु होती है और सियासी दावपेच और जंगी तालीम उसको उस समय नहीं मिली होती है, और इसलिए क्योंकि वो जंग नहीं लड़ सकता, उसको सियासत को इतनी अच्छी समझ नहीं है, उसकी माँ एगेटोक्लिया जो है सियासत में कुछ करती है और थोड़े समय के लिए जो है रूल करती है। अब ये जो एगेटोक्लिया है जो कि स्ट्रेटो फर्स्ट की माँ थी, इसने अपने रूल को बढ़ाया, रूल करती है ये इतने टाइम के बीच में 165 to 123 BC। फिर एगेटोक्लिया के बाद स्ट्रेटो फर्स्ट जो है राजगद्दी संभाल लेता है। जब वो राज करने लायक हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब स्ट्रेटो फर्स्ट जो है राजगद्दी संभालता है, ठीक है। और स्ट्रेटो फर्स्ट का जो रीन है, जो शासन काल है, वो काफी लंबा है, 123 बीसी से लेकर के 175 बीसी तक, जो कि लगभग लगभग 52 साल का शासन काल है, ठीक है। अब स्ट्रेटो फर्स्ट के साथ उसका एक भाई भी है जिसका नाम था एपोलोडोटस, ठीक है। ये भी जो है एक रूलर के रूप में हमें देखने मिलेगा आगे, ठीक है। तो स्ट्रेटो फर्स्ट का बेटे के बारे में हमें ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ उसका एक ग्रैंडसन था जो कि था स्ट्रेटो सेकंड। ग्रैंडसन आने की पोता स्ट्रेटो सेकंड है, वो नाम याद रखिएगा। अभी जो स्ट्रेटो सेकंड है वो स्ट्रेटो फर्स्ट के पहले ही मर जाता है। अब क्योंकि स्ट्रेटो सेकंड उसका पोता स्ट्रेटो फर्स्ट के पहले ही मर गया, तब क्या होगा, कौन रूल करेगा, सवाल है दिमाग में हमारे। तो उस समय रूल कौन करता है, स्ट्रेटो फर्स्ट का बेटे के जो एपोलोडोटस थे, मतलब सॉरी स्ट्रेटो फर्स्ट का जो भाई था एपोलोडोटस, उसके कुछ सब किंग्स थे। सब किंग यानी कि वही मैंने बताया ना अभी कि अंपायर के ऊपर जो है जो राज करते हैं। तो स्ट्रेटो फर्स्ट को सक्सीड किसने किया, एपोलोडोटस ने, और एपोलोडोटस को सक्सीड किसने किया, उसके सब किंग्स ने। और सब किंग्स कौन कौन है, अभी मैंने बताया सब किंग क्या होता है इस केस में, ठीक है। सब किंग कौन कौन है नाम याद रखिएगा, एक है प्यूकालोस, एक है आर्टिमिडोरस, एक है डेनोसियोस, एक है जाइलोस, एक है एपोलोफेंस, ठीक है। तो ये जो है पांच नाम हो गए हमारे, प्यूकालोस, आर्टिमिडोरस, डेनोसियोस, जाइलोस, एपोलोफेंस। आप सोच रहे होंगे इतने खतरनाक नाम है कैसे याद होंगे, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसको आप इसी चार्ट के फॉर्म में बना लीजिए एक ही पेज पे, बिल्कुल ऐसे ही निट्टो, और उसको एक दो बार देखते रहिए, एग्जाम के पहले भी एक दिन देख लीजिए, दो दिन देख लीजिए, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है,
साइंस स्ट्रीम नहीं है ये, बड़े आसान से जो है आप इन नामों को याद कर सकते हैं, बस दो तीन बार का देखने का फेर है। फिर आखिरी फैमिली वो है यूक्रेटाइड फर्स्ट की फैमिली है। यूक्रेटाइड फर्स्ट के दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है हेलियोकल्स फर्स्ट, ठीक है, और एक का नाम होता है प्लेटो, ठीक है ना। एक का नाम क्या है, हेलियोकल्स फर्स्ट, और एक का नाम है प्लेटो। अब ये जो हेलियोकल्स फर्स्ट है ये किल कर देता है प्लेटो को, प्लेटो को जान से मार देता है ताकि प्लेटो पावर में ना आ पाए, और फिर हेलियोकल्स फर्स्ट जो है वो पावर में आ जाता है। अब क्या हुआ कि ये जो हेलियोकल्स फर्स्ट था इसके दो बेटे होते हैं, एक था हेलियोकल सेकंड यहां देखिए, और एक था यूक्रेटाइड सेकंड यहां देखिए। यूक्रेटाइड फर्स्ट का बेटा यूक्रेटाइड सेकंड नहीं है, यूक्रेटाइड फर्स्ट के दो बेटे हैं, हेलियोकल फर्स्ट प्लेटो, ठीक है। हेलियोकल फर्स्ट ने प्लेटो को मारा और हेलियोकल फर्स्ट के अब दो बेटे निकले, हेलियोकल टू और हेलियोग्लिस टू और यूक्रेटाइड सेकंड, ठीक है। अब यूक्रेटाइड टू के जो है यानी यूक्रेटाइड सेकंड के जो है एक बेटा होता है जिसका नाम है आर्किबियोस, ठीक है। तो ये आर्किबियोस जो है ये रूल कर रहा होता है, लेकिन इसकी मृत्यु के पश्चात, आर्किबियोस की मृत्यु के पश्चात इसके चाचा जी यानी कि हेलियोकल टू वो पावर में आ जाते हैं। ध्यान से समझिए, यूक्रेटाइड टू रूल कर रहा था, उसका बेटा आर्किबियोस रूल करने लग गया, लेकिन इसकी मृत्यु के पश्चात क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं था तो इसके चाचा जान यानी कि हेलियोकल टू, ठीक है, जो कि यूक्रेटाइड सेकंड के भाई थे, वो रूल करना चालू कर देते हैं। कौन? हेलियोकल टू। अब हेलियोकल टू रूल करना चालू कर दिए, इनका एक बेटा होता है, नाम याद रखिए वो है एंटी अल्काइडिस, ठीक है, नाम याद रखिए एंटी अल्काइडिस, देखिए ए एन टी आई एन टी ए एल अल काइडिस के आई डी एस, ठीक है। तो एंटी अल्काइडिस इसका बेटा होता है हेलियोकल टू का, और एंटी अल्काइडिस के भी तीन बेटे होते हैं, पहले का नाम था डियोमेडिस, दूसरे का नाम था टेलीफोस, और तीसरे का नाम था अमाइंटस, ठीक है। अमाइंटस नाम सुना सुना लग रहा होगा, अभी बता रहा हूं क्यों सुना लग रहा है, क्योंकि ये जो अमाइंटस है इसी ने थियोफिलोस को जो कि आखिरी रूलर था यूथिडेमस की फैमिली का उसको रिप्लेस किया था, ठीक है, उसके किंगडम को एनेक्स किया था, किसने? अमाइंटस ने। और इस केस में यूक्रेटाइड की फैमिली में अमाइंटस जो है वो सेकेंड लास्ट रूलर है, ठीक है। तो लास्ट रूलर कौन है वो देखिए, तो अमाइंटस को सक्सीड करता है हर्मियोस, ठीक है, जो कि लास्ट रूलर माना जाता है हमारा यूक्रेटाइड की फैमिली का, ये कॉइंस के एविडेंस से हमको पता लगता है। तो ये सब जो था हमारा तीनों फैमिलीज की जीनोलॉजी के बारे में हो गया। अब ग्रीक्स इन इंडिया में जो पॉलिटिक्स चलती है, किसने किसके किंगडम को एनेक्स कर लिया, किसने किसके किंगडम को छीन लिया, कौन किसके बाद आया, और किस तरीके से इंडो ग्रीक्स उस तक पलवा खदेड़ देते हैं इंडिया से भी और बैक्ट्रिया से भी वो देते हैं, तो अब थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों अब हमने ये देख लिया है कि तीनों फैमिलीज की जीनोलॉजी में कौन कौन आता है कौन कौन जाता है, ये सब हम देख चुके हैं। अब जो है बेसिकली ग्रीक्स इन इंडिया नाम का जो टॉपिक है ये किस तरीके से इसका पॉलिटिक्स डेवलप होता है इंडिया में वो देखते हैं, किस तरीके से इंडिया में ग्रीक्स आते हैं और अपनी हुकूमत जमाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पार्ट वन में हम जो है स्ट्रेटो फर्स्ट तक ही पढ़ेंगे, और स्ट्रेटो फर्स्ट के बाद के रूल में क्या होता है उसको हम पार्ट टू में देखेंगे। चिंता करने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्ट टू जो है मुश्किल से 15 मिनट का होगा, 30 मिनट का नहीं होगा, बहुत कम बचा हुआ है अब ग्रीक्स इन इंडिया में इस पार्ट के बाद, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, 10 से 15 मिनट में अगला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक दिन बाद ही आ जाएगा तुरंत, जिस दिन ये वीडियो पब्लिश होती है, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में हम देखते हैं कैसे इंडिया में ग्रीक्स आए और उन्होंने अपनी हुकूमत एस्टैब्लिश की, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डिमेट्रियस वन नाम का एक रूलर था, जो कि बेसिकली यूथिडेमस की फैमिली को बिलोंग करता था, ठीक है, यूथिडेमस वन का बेटा था डिमेट्रियस वन। तो डिमेट्रियस वन का दो बेटे होते हैं, ठीक है, तो एक का नाम होता है एगेथोक्लीस पहला बेटा, और दूसरे के बेटे का नाम है पेंटिलियोन, ठीक है। तो अब एगेथोक्लीस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले पेंटिलियोन का देखते हैं। तो पेंटिलियोन जो है ये राज करते हैं, ठीक है, राज करते हैं, लेकिन इनके बाद पेंटिलियोन के बाद कौन इनको सक्सीड करता है, इनके बाद कौन रूलर बनता है, तो ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर एगेथोक्लीस, यानी कि पेंटिलियोन जब इनका राज खत्म हो जाता है तो इनको सक्सीड कौन करते हैं, अगला रूलर कौन होता है, इनका भाई एगेथोक्लीस, ठीक है, तो एगेथोक्लीस होते हैं। अब ये जो एगेथोक्लीस और पेंटिलियोन है ये कहां रूल करते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे रूल करते हैं। क्यों नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे? बैक्ट्रिया पे क्यों? तो इसका सीधा आंसर ये है कि डिमेट्रियस वन की मृत्यु के पश्चात, या फिर यू बोले कि यूथिडेमस टू की मृत्यु के पश्चात, जो कि
आपको पता होगा कि एंटीमैकोस फैमिली का जो एस्टेब्लिशर था, यानी कि एस्टेब्लिश करने वाला फाउंडर था एंटीमैकोस वन, वो क्या करता है डिमेट्रियस वन की मृत्यु के पश्चात मार्जियाना और बैक्ट्रिया को एनेक्स कर लेता है। तो अब बैक्ट्रिया जो है डिमेट्रियस वन की कब्जे से छूट गया, और डिमेट्रियस वन के कब्जे के छूटने के बाद इन दोनों बच्चों के हाथ यानी कि एगाथोक्लीस और पेंटिलियन के हाथ में बैक्ट्रिया रहने जाता। तो अब इनके पास जो बचता है वो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पोर्शन, और ये दोनों जो है वही रूल करते हैं। ठीक है, तो वही हमने लिखा है बिकॉज बैक्टीरिया वॉज एनेक्स बाई एंटीमैकोस वन। ठीक है, और एंटीमैकोस वन को एनेक्स कर लिया बैक्टीरिया ने, तो एंटीमैकोस वन के बाद किसने बैक्टीरिया को एनेक्स किया, तो वो था यूक्रेटाइड फर्स्ट। तो यूक्रेटाइड फर्स्ट भी बैक्टीरिया को एनेक्स किए हुए रखे रहता है। तो कुल मिलाकर के एगाथोक्लीस और पेंटिलियन के पास तो चारा रहने जाता एक्सेप्ट टू रूल ऑन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से ग्रीक्स इन इंडिया हो कि नहीं, तो यही सब है ग्रीक्स इन इंडिया में। दूसरा एक जो नाम आता है वो है एंटीमैकोस फर्स्ट का, और एंटीमैकोस फर्स्ट का एक बेटा होता है जो होता है डिमेट्रियस टू। ठीक है, तो ये जो डिमेट्रियस टू था इसके दो बेटे थे। ठीक है, एक का नाम था एंटीमैकोस टू और एक का नाम था मिनेंडर। फिर से डिमेट्रियस टू के दो बेटे थे एंटीमैकोस टू और मिनेंडर। इस मिनेंडर के बारे में काफी कुछ है हमें पढ़ने के लिए और पढ़ना भी है। ठीक है, तो बेसिकली देखते हैं क्या है मिनेंडर के बारे में पढ़ने के लिए। तो अगर हम देखें तो ये जो मिनेंडर भाई साहब है हमारे, इन्होंने एगेथोपिलिया के साथ शादी की। एगेथोपिलिया कौन है, अभी हमने देखा था डिमेट्रियस फर्स्ट की जो बेटी थी डॉटर, उसका नाम था एगेथोपिलिया। हमने भी जीनोलॉजी में भी देखा था, जिन्होंने ना देखा हो ये दोबारा देख लो वरना समझ में नहीं आने वाला था, बता रहा हूँ। ठीक है, तो एगेथोपिलिया से शादी कर लेता है मिनेंडर। अब ये जो है हिस्टोरियंस इसको बहुत ज्यादा फेमस इंडो ग्रीक किंग मानते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉइंस एविडेंसेस मिलते हैं। सबसे ज्यादा फेमस इंडो ग्रीक किंग यही था, और ये इसलिए फेमस इसलिए भी था क्योंकि माना जाता है कि इसी ने जो है इंडिया में इन्वेजन शुरू किया, और धीमे धीमे इंडिया के तह तक पहुंच गया, काफी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक ये पहुंच गया था, काफी अंदर तक गया था। अब इस किंग को जो कि मिनेंडर है, इसको किंग मिलिंड से आइडेंटिफाई किया जाता है। आप सोचेंगे किंग मिलिंड कौन है, मैं बताता हूँ। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा सेकेंड पेपर में एक टॉपिक है जिसका नाम है मिलिंद पनो नाम का एक टेक्स्ट है, जो एक टॉपिक है पेपर टू में फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, ये आईएएस की बात कर रहा हूं मैं। तो मिलिंद पनो में बताते हैं कि किस तरीके से एक बौद्ध भिक्षु है जो कि नागसेना नाम के थे, नागसेना नाम का एक बौद्ध भिक्षु, और राजा मिलिंद नाम का एक राजा, ग्रीक राजा, इंडो ग्रीक राजा, आपस में कैसे बात करते हैं। तो इस मिनेंडर को जो है ना उसी किंग मिलिंद से आइडेंटिफाई किया जाता है कि यही मिनेंडर जो है वो किंग मिलिंद है ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पनो। तो ये चीज याद रखिए आप। और अगर ऐसा सही है कि मिनेंडर ही वो किंग मिलिंद है, तो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स और जो है तथ्यों के आधार पर, कॉइंस के आधार पर ये पता लगाया गया है कि इस मिनेंडर का जो बर्थ प्लेस है, इसका जो जन्म स्थल है, वो है कालसी ग्राम। ठीक है, कालसी ग्राम यानी कि कालसी नाम का एक गांव था जहां इसका जन्म होता है, और ये कहां पर था, ये था अलसंदा द्वीप पर, द्वीप एक टाइप का आइलैंड मतलब, तो अलसंदा द्वीप पर जो है कलसी ग्राम का एक गांव था जहां पर इसका जन्म होता है किंग मिलिंड का, जो कि रियली कौन था, मिनेंडर, इंडो ग्रीक रूलर। ओके, उसके बाद ये जो मिनेंडर था ये बाद में किंग बन जाता है डिमेट्रियस फर्स्ट के बाद में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये है कि मिनेंडर जो है ये डिमेट्रियस फर्स्ट का एक गवर्नर था। अब ये यहां कंफ्यूजन हो जाता है शुरू AIS के, क्यों कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अब ये देखिए कि ये जो मिनेंडर भाई साहब हैं, ये किसके बेटे हैं, ये बेटे हैं डिमेट्रियस टू के। ठीक है, और डिमेट्रियस टू किसके बेटे हैं, ये बेटे हैं एंटीमैकोस वन के। तो कुल मिलाकर के मिनेंडर और एंटीमैकोस वन आपस में दादा पोते वाला रिलेशन हुआ। अब इस तरीके को समझिए कि एंटीमैकोस वन ने जो है डिमेट्रियस फर्स्ट के किंगडम बैक्टीरिया को छीन लिया। तो अब तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो डिमेट्रियस फर्स्ट है वो अपनी बेटी की शादी एगेथोक्लिया की जो है शादी मिनेंडर से करा दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो मिनेंडर भाई साहब हैं इनकी शादी एगेथोक्लिया से होती है, जो कि डिमेंडर फर्स्ट की बेटी है, बेटी है। तो अभी हमने ये देख लिया कि मिनेंडर की शादी जो है एगेथोक्लिया से हो जाती है। ठीक, अब देखिए कि मिनेंडर की शादी एगेथोक्लिया से हो गई और वो डिमेट्रियस फर्स्ट के बाद राजा भी बन जाते हैं। फिर एक स्रोत आता है, एक सोर्स आता है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। अब इतना बड़ा इंग्लिश में नाम होगा सोर्स का तब सर्च कराना तो स्वाभाविक है, इसके लिए मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। तो इसको मैं हिंदी में यहां लिख देता हूँ,
हिंदी में बड़ा ही होगा जाहिर सी बात, लेकिन जो लोग हिंदी में स्वाभाविक रूप से पढ़ते हैं उनके लिए बेटर है। तो देखिए मैंने लिखा है मालविका, यहाँ तक मालविका है, और फिर यहाँ पे अग्निमित्रम है, मालविका अग्निमित्रम ये सोर्स का नाम है। तो इस सोर्स के हिसाब से ये माना जाता है कि ये जो मिरेंडर भाई साहब थे ये सबसे पॉपुलर इंडो ग्रीक रूलर थे जिन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था, यानी कि इंडिया में ये रूल करने के इरादे से इन्वेड करके इंडिया के अंदर आए, ठीक है। फिर कुछ कॉइन्स की माने, कुछ कॉइन्स की एविडेंस की माने तो इनका जो एम्पायर है वो इन इन जगहों पर था, उन जगहों के नाम याद रखिए क्योंकि ये लिखना पड़ेगा आपको कि मिरेंडर भाई साहब का एम्पायर कहाँ कहाँ था। तो देखिए कहाँ कहाँ था, सेंट्रल अफगानिस्तान, अर्स्टवाइल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्या है, आपको पता होगा कि नॉर्थ आज का जो पाकिस्तान है वो पहले ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो क्योंकि वो पहले जाना जाता था इसलिए मैंने यहाँ पे अर्स्टवाइल लगाया है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज का पाकिस्तान है वो भी इसमें इंक्लूडेड था। फिर पंजाब भी है, सिंध है, राजस्थान है, और कुछ जगह है जैसे कि काठियावाड़ और वेस्टर्न साइड ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि गोरखपुर के साइड नहीं आ पाए थे, मेरठ वेरठ के साइड जो है इन लोग का सब कुछ सुपड़ा साफ हो गया था एम्पायर का, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का ही था। अब आगे देखते हैं, तो कुछ क्लासिकल राइटर्स जो कि ग्रीक के थे उनका ये मानना था कि मिनेंडर भाई साहब जो है इनकी मृत्यु एक कैंप में हो जाती है, कैंप, ठीक है, कैंप मतलब खेमा, मान लीजिए लड़ाई के टाइम पे कहीं खेमा लगाया वहां मृत्यु हो गई, या फिर कहीं घूमने जा रहे थे वहां खेमा लगाया वहां मृत्यु हो गई, तो वैसे खेमे में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, मिनेंडर की। ये जो मिनेंडर भाई साहब है इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद का सक्सेसर कौन होगा, इनके बाद का रूलर कौन होगा, ठीक है, तो उसको देखें तो इनका एक बेटा था जिसका नाम था स्ट्रेटोफर्स। अब ये जो स्ट्रेटोफर्स था ये जो था ये एक माइनर था, माइनर का मतलब है कि इनकी 18 साल की उम्र भी नहीं हुई थी, इनको जंग की कोई तालीम नहीं दी गई थी, यानी कि इनको लड़ाई की कोई शिक्षा नहीं दी गई थी, और ना इनको ज्यादा सियासत के मामले में पता था, इसलिए इनकी माता, ओ मैंने यहाँ एगेथोक्लस लिख दिया है, ये एगेथोक्लिया होगा, एगेथोक्लिया, ठीक है, तो एगेथोक्लिया जो है ये रूल करती है। तो स्ट्रेटोफर्स की माता कौन है, एगेथोक्लिया, ये वही है जिनसे मिरेंडर ने शादी की थी, और एगेथोक्लिया कौन थी, डिमेट्रियस फर्स्ट की बेटी, तो ये याद रखिए बस, ठीक है। तो क्या हुआ, स्ट्रेटोफर्स माइनर थे इसलिए उनकी माँ एगेथोक्लिया ने रूल किया उनकी जगह पे। फिर आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में कि कैसे जो स्ट्रेटोफर्स है वो एक जब जवान हो जाते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं, तब वो किंगडम को अपने क्षेत्र में अपने अनुशासन में लेते हैं और वहां से अपने किंगडम को रूल करना चालू करते हैं, और उसके बाद शक पल्लव कैसे आते हैं और कैसे खदेड़ के भगाते हैं एक टाइड और एंटीमाकोस की फैमिली को, वो भी देखेंगे। तो वो सब अगले पार्ट में है और बहुत जरा सा पार्ट होगा, मतलब 10 से 15 मिनट का, एंड दैट विल बी डन, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया मेनली कि स्ट्रेटोफर्स माइनर थे और एगेथोक्लिया ने रूल किया। फिर आप आगे देखिए, यूक्रेटाइड फर्स्ट नाम का एक रूलर था जो कि यूक्रेटाइड की फैमिली का फाउंडर था, ठीक है। अभी जीनियोलॉजी में हमने देखा कि यूक्रेटाइड फर्स्ट का बेटा कौन था, हेलियोक्लीस फर्स्ट। तो हेलियोक्लीस फर्स्ट जो है इसको हमने बैक्ट्रिया के ग्रीक्स जब पढ़ रहे थे तब उसके सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि हेलियोक्लीस फर्स्ट को जो है शाक पल्लव जो है वो बैक्ट्रिया से भगा देते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया पे कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हेलियोक्लीस फर्स्ट को बैक्टीरिया छोड़ना पड़ता है और फिर वो इंडिया में आके एंटर कर जाता है। तो हेलियोक्लीस फर्स्ट क्या करता है, फिर ही एंटर्ड इंडिया, इंडिया में वो एंटर करता है क्योंकि बैक्टीरिया से उसको भगा दिया गया, एंड इन्वेडेड किंगडम ऑफ स्ट्रेटोफर्स्ट। अब ये स्ट्रेटोफर्स्ट जो जनाब है, ठीक है, जिनके पिता मिरेंडर मर चुके थे, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटोफर्स्ट है जनाब इनके किंगडम को ऊपर अटैक कर देता है, कौन, ये जो हेलियोगल्स फर्स्ट है, क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि इनके यहां से बैक्टीरिया जा चुका है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ही, तो इंडिया में ही चल दिए भाई साहब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हेलियोकल्स फर्स्ट जो है अटैक करता है स्ट्रेटोफर्स्ट किंगडम पे, लेकिन पूरे किंगडम पे अटैक नहीं करता, एक छोटे से पार्ट पे अटैक करता है, ठीक है, तो वो छोटा पार्ट वो एनेक्स करने में कामयाब हो जाता है, यानी कि हेलियोकल्स फर्स्ट जो है स्ट्रेटोफर्स्ट किंगडम का एक पार्ट जो है अपने हिस्से में ले लेता है, और उस पार्ट में वो क्या करता है, समझिए, ही रीस्ट्रक सम जॉइंट पॉइंट्स ऑफ एगेथोक्लीस एंड स्ट्रेटोफर्स्ट। ये एगेथोक्लिया होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ है, एगेथोक्लिया एंड स्ट्रेटोफर्स्ट, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो पॉइंट्स हेलियोकल्स फर्स्ट के इन्वेजन के पहले चल रहे थे, किसके, स्ट्रेटोफर्स्ट के और एगेथोक्लिया के, वो पॉइंट्स वो फिर भी चलाता रहता है। ऐसा क्यों करते थे पुराने रूलर्स, एआईएच के रूलर्स,
एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के रूलर ऐसे क्यों करते, जिसकी बड़ी वजह ये है, समझिए उसको। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि कोई नया राजा अगर आती है, कोई नया राजा अगर आता है किसी भी किंगडम को एनेक्स करके, तो पब्लिक उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि पुराने राजा के साथ उसका पब्लिक का लगाव था। तो वो जो नया राजा आता है वो अपने सिक्के जारी नहीं करता तुरंत के तौर पे, वो पुराने सिक्के चलाता है जो कि पुराने रूलर के थे, ताकि एक कनेक्शन जो है पब्लिक के बीच में और राजा के बीच में बन सके। और जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो थोड़े टाइम बाद वो जो नया राजा है वो अपने भी सिक्के जारी करना चालू कर देता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो पुराना जो नया रूलर आया है हेलियोकल्स फर्स्ट, वो क्या करता है, एगेथोक्लिया और स्ट्रेटो फर्स्ट के जॉइंट कॉइन्स, यानी कि जो उनके टाइम पे कॉइन चल रहे थे इन दोनों के, उनको ही चलाता है, या लिखा है ना ही रीस्ट्रक मतलब कि उन्हीं को दोबारा चलाता है। तो इसकी वजह से जो है फेस डेवलप होता है और हेलियोकल्स फर्स्ट जो है नया रूलर हमें देखने मिलेगा स्ट्रेटो फर्स्ट के किंगडम के काफी मोटे पार्ट का, ठीक है। फिर आगे अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे स्ट्रेटो फर्स्ट एक बड़ा रूलर बनता है, मेच्योर होता है और इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे उभरने के बाद, उसके बाद कैसे यूक्रेटाइड और एंटीमाकोस की फैमिली के बीच में एक अलायंस होता है, और कैसे शक पल्लव आकर के इंडो ग्रीक रूल को इंडिया में खत्म कर देते हैं और फिर शक पल्लव डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है, वो सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। और अगला पार्ट बेसिकली 10 से 15 मिनट का होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो अगर आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे ऐसे ही वीडियोस रेगुलर चाहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, अगर आप सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे तो हो सकता है कि आप रेगुलरली इससे अपडेट ना रह पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।